असलमकम नाजरन और हाजरीन चले आए आज हम चलते हैं स्टाइलों पर मैं आपको करवाती हूँ स्टाइलों की सैर स्टाइलों पर वरायटी काफ़ी अच्छी आई हुई है ड्रेसिस की बात करें तो ड्रेसेस काफ़ी अच्छे हैं लेकिन उनके जो प्राइसेस है काफ़ी ज़्यादा हाई हैं और फिर उसके बाद ये जो सैंडल्स वगैरह की बात करें तो शूज़ वगैरह की वरायटी भी काफ़ी अच्छी है स्टाइलों पर देखा तो सारा कुछ आउट ऑफ बजट आ रहा था मैंने कहा चलो भी निकलो निकलो यहाँ से बाहर चलो निकलते हैं फिर मेरी नज़र मैंने दौड़ाई सामने निशात की तरफ और निशात से इम्तियाज़ की तरफ मैं निकली बाई और सामने मुझे नज़र आई है गुब्बारे वाला भाई वो सेट होकर खड़ा हो गया उसने कहा भाई तू मेरी बना ला बाजी मेरी फ़ोटो बना रही है फिर हम मैं उधर से निकली हूँ रोड क्रॉस किया तो मैं पहुंची इम्तियाज़ माल इम्तियाज़ माल पहुँच कर थोड़े की ग्रोसरी ग्रोसरी खरीदी या ग्रोसरी खरीदने के बाद मैं नीचे पहुंची हूँ बैग्स वाले सेशन में हाँ मैं जब भी लाजमी हूँ मैं इस बैग वाले सेशन की तरफ लाजमी आती हूँ मुझे ये सारे बैग्स बड़े पसंद आते हैं काश मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे हो मैं सारे सारे बैग लेके चली जाऊँ फिर मैं पहुँची बच्चों वाले कपड़ों वाले जो सेशन है उस तरफ थोड़ा कपड़ा है बच्चों वाले मैं देख लेती हूँ हर बार तो लेकिन लेती नहीं हूँ क्यों मेरे बच्चे है नहीं भतीजे भाजी के नहीं बस मेरे लेने होते हैं और फिर पहुँची मैं लेडीज़ जो है ना ये काफ़ी तेज से यहीं वराइटी इनके पास है कपड़ों की वरायटी की बात करें तो कपड़ों की इम्तियाज़ में अच्छी वरायटी नहीं है और मुझे ये एक बात समझ नहीं आती इन्होंने ये नीलों वाले क्यों टांगे हुए हैं गर्मी का मौसम में समर डालें आज की शॉपिंग इतनी ही टाटा अल्लाह हाफिज़